हाँ जी नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों आपका हमारे चैनल सरकारी अपडेट पर हार्दिक स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी के लिए ब्रेकिंग न्यूज़ लेके आया हूँ। रीट का पूर्व आवेदन कर चुके ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थी को संशोधन का अवसर नहीं है। जी हाँ दोस्तों, ये ब्रेकिंग न्यूज़ है। रीट का जो पूर्व आवेदन कर चुके ईडब्ल्यूएस के अभ्यर्थी को संशोधन का अवसर नहीं है। चलिए दोस्तों, मैं आपको संपूर्ण जानकारी देता हूँ वीडियो के अंदर। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। अभ्यर्थी हो रहे हैं परेशान, रीट का पूर्व आवेदन कर चुके अभ्यर्थियों को संशोधन का अवसर नहीं। बीकानेर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से आयोजित की जा रही रीट परीक्षा में के आवेदन कर चुके उन अभ्यर्थियों को परेशानी हो रही है जो ईडब्ल्यूएस के आरक्षण के पात्र है लेकिन उन्हें अवसर नहीं दिया गया। ऐसे अभ्यर्थियों के फरवरी में आवेदन करने से पहले ईडब्ल्यूएस श्रेणी के पात्रता की शर्त अलग थी जिसके चलते वह इस श्रेणी में आवेदन नहीं कर पाए। बाद में सरकार ने पात्रता में बदलाव कर दिया और वो पात्र हो गए। अब एक बार फिर रीट के लिए आवेदन से वंचित अभ्यर्थियों को तो अवसर दिया गया परंतु पात्रता के फेरे से वंचित ईडब्ल्यूएस श्रेणी में आवेदन से वंचित रहे अभ्यर्थियों को आवेदन में संशोधन करने का अवसर नहीं दिया गया। अभ्यर्थी की मांग है कि अब दोबारा आवेदन के दौरान ईडब्ल्यू श्रेणी में आ चुके अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण के ऑप्शन में संशोधन के लिए खोला जाना चाहिए। ईडब्ल्यूएस में वार्षिक आय 8 लाख रुपए तक वाले को भी पात्र माना जा रहा है। पूर्व में आवेदन कर चुके इस श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए आवेदन अपडेट करने के ऑप्शन नहीं दिए गए। जी हाँ, पात्रता की शर्त बदलने से बड़े पात्र अभ्यर्थियों ने बताया कि पहले आवेदन किया गया उस ईडब्ल्यूएस श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए 8 लाख की आय सीमा नहीं थी। पक्का मकान, भूमि, संपत्ति आदि कई तरह के चल अचल संपत्ति वाले को इस श्रेणी में पात्र नहीं माना गया था। बाद में सरकार ने सारी उलझनों को हटाते हुए सीधे तौर पर सालाना 8 लाख तक की आय रहे वाले को पात्र मानने का संशोधन कर दिया। रीट के आवेदन के बाद कोरोना के चलते परीक्षा नहीं ली गई। अब वंचित रहे अभ्यर्थियों के लिए रीट के लिए आवेदन का अवसर खोल दिया है। ऐसे में आरक्षित वर्ग के कॉलम में संशोधन करने का अवसर भी पहले फॉर्म कर चुके अभ्यर्थी को देना चाहिए। 8 लाख रुपए तक वाली नई पात्रता शर्त लागू करने के बाद ईडब्ल्यूएस वर्ग के पात्रों की संख्या कई गुना बढ़ गई है। जी हाँ दोस्तों, ईडब्ल्यूएस में 8 लाख की सालाना आय का ही रखा है, बाकी को सबको हटा दिया। जो प्रावधान थे, पक्का मकान, भूमि, संपत्ति आदि कई तरह के चल अचल संपत्ति वाले को इस श्रेणी में पात्र नहीं माना गया था लेकिन बाद में सरकार ने सारे उलझनों को हटाते हुए सीधे तौर पर सालाना 8 लाख तक की आय वाले को पात्र मानने का संशोधन कर दिया। जी हाँ दोस्तों, पहले तो जिसके पास पक्का मकान, भूमि, संपत्ति आदि कई तरह की संपत्ति वाले को इस श्रेणी में पात्र नहीं गया लेकिन बाद में सारी को समस्याओं को हटाते हुए सीधे सीधे ये बोल दिया गया कि जिनकी 8 लाख तक की आय है वही पात्र 8 लाख तक की आय वाले को पात्र मानने का संशोधन कर दिया। जिसके 8 लाख तक की आई है उससे कम वाले को संशोधन कर दिया गया। जी हाँ दोस्तों, बाकी को और सभी को सारे प्रावधानों को हटा दिया, सारी योजना का अभ्यर्थियों का संशोधन का अवसर नहीं दिया। इससे अभ्यर्थी परेशान है, रीट का पूर्व आवेदन कर चुके ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थियों को संशोधन करने का अवसर नहीं है। ये बताया गया है कि इसमें काली जिनके 8 लाख तक की आय वाले हैं इनको ही पात्र माना जाएगा और बाकी सारी संपत्तियों को हटा दिया गया है। बीकानेर माध्यमिक शिक्षा की ओर से आयोजित की जा रही रीट परीक्षा के आवेदन कर चुके अभ्यर्थियों को परेशानी है जो ईडब्ल्यूएस के आरक्षण के पात्र हैं लेकिन उन्हें अवसर नहीं दिया गया। ऐसे अभ्यर्थियों के फरवरी में आवेदन करने से पहले ईडब्ल्यूएस श्रेणी के पात्रता की शर्त अलग थी जिसके चलते वे श्रेणी में आवेदन कर बाद में सरकार ने पात्रता में बदलाव कर दिया और पात्र हो गए। अब आवेदन एक बार फिर से आवेदन से वंचित अभ्यर्थियों को अवसर दिया गया परंतु पात्रता के फेरे से वंचित ईडब्ल्यूएस श्रेणी से अवंचित मैं आवेदन से वंचित रहे। जी हाँ दोस्तों, रीट का जो पूर्व में आवेदन कर चुके ईडब्ल्यूएस के अभ्यर्थी है उनको संशोधन करने के अंदर अवसर नहीं दिया गया। उनको परेशानी हो रही है, अभ्यर्थी परेशानी हो रही है, जो अब वो चाहते हैं कि उनको भी आवेदन करने का दोबारा संशोधन करने का अवसर दिया जाए। जी हाँ दोस्तों, धन्यवाद।